हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इंडियन ब्लॉगर गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग का। दिन निकलने लग रहा है, अभी 7:45 हुए हैं, 6:45। मैं उठ चुका हूँ, उठ तो मैं 6 बजे ही गया था। जल्दी जो है तैयार होना है, रेडी होना है, तो चलिए मैं चलता हूँ, रेडी हो लेता हूँ। तो देखते हैं फैमिली वाले क्या कर रहे हैं। आइए। ये देखिए आज मम्मी का बर्थडे है, 8 का। मम्मी क्या बना रही है? पूरी। हमारी जो माता रानी है उनको हलवा पूरी बहुत पसंद है। जिनके गांव में माता रानी है, कुलदेवी, उनका मैं व्रत रखती हूँ 8 का। माता रानी को हलवा पूरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं पहले पूरी बना रही हूँ, फिर हलवा। ये देखे मैं देसी घी में पूरी बना रही हूँ। पूरी बनाने के बाद में फिर बेसन का हलवा बनाऊंगी, आप सबको दिखाएंगे बेसन का हलवा कैसे बनाती है मम्मी। बनाने दिखाओगे मम्मी जी? ठीक है, चलो आप बना लो पूरी तब तक। ये देखे कितना पूरी तैयार होगी। मैं थोड़ा सा पानी करीब 1.5 गिलास पानी है। मैं 100 ग्राम बेसन का हलवा बनाऊंगी। 100 ग्राम बेसन में 1.5 गिलास पानी है। चीनी डाल दी है, अब मैं इसमें 1 कटोरी दूध भी डालती हूँ। अभी पकने थोड़ी देर ही पकेगा, पूरी तैयार करूंगी। ये देखिए पूरी तो बनके तैयार हो गई है, अब बनेगा हलवा। ये मम्मी ने 10 पूरी बनाई है, 8 तो माता रानी की, 2 हनुमान जी की, क्योंकि माता रानी के साथ में हनुमान जी के भोग लगता है, गणेश जी की, सब सब भगवान जी की आई है। 8 पूरी टोटल 10 है ना, 10 पूरी। चाशनी भी तैयार हो चुकी है। ये देखिए मम्मी ने अब उपला रख दिया है, गोसा भी बोलते हैं, सोपला भी बोलते हैं, जोत के लिए अंगारी, जिस पर भोग लगता है। ये जब ये बिल्कुल जल जाएगा, धुआं निकल जाएगा इसका, तब इस पर भोग लगेगा। ये देखो मम्मी ले रही है बेसन। भैया कभी टाइम हो रहा है आने का, 7:30 हो चुके हैं, वो कभी भी आ जाएगा। ये कम से कम 100 ग्राम बेसन है, अंदाजे से निकाल लिया है मम्मी ने। ये मम्मी डाल रही है अब इसने बेसन। मुझसे भी हलवा बनाना नहीं आता है, मैं भी सीख रही हूँ। बहुत अच्छी तरह इसमें आई, इसमें घी कड़ा है ना, धीरे धीरे। ये देखिए कलर, ये देखिए भैया आ चुका है, ये देखो ये आ गया है। तो अब उसके लिए कॉफी बना रहे हैं हम। ये देखो मम्मी ने दूध तो रख दिया है, इसमें चीनी डालेगी मम्मी, चीनी डाल रही है इसमें। चीनी डाल के पकाएंगे पहले दूध को, लास्ट में डालेंगे कॉफी जब ये पक जाएगी। हाँ फिर मीठी हो जाएगी ज्यादा, वरना। इधर हलवे की प्रोसेसिंग चल रही है। ये देखो गोल्डन हो चुका है बेसन, अब इसमें हम डालेंगे
जो हमने चाशनी बनाई, इधर कॉफी भी हो गई है। मम्मी इसमें कॉफी डाल दो, दूध खजक गया। सारा डाल दो? नहीं, थोड़ी डालियो फिर वो हो जाएगी ना, बस खजक जाएगी। कितना अच्छा कलर आ गया इसमें देखो। ये देखो मम्मी कॉफी डाल रही है, इसमें पाउडर भी डाल दियो मम्मी जी। ये डल गया पाउडर, अब देखते हैं कॉफी इसको। ये देखो जो चाशनी बनी थी वो मम्मी अब इसमें डाल रही है। ये देखो हलवा रेडी होने लग रहा है और बेटा माँ के पास खड़ा होकर कॉफी पी रहा है। ये देखो सही है, सबसे पहले आगे मिलना चाहिए मासी, सुपर मॉम। चाय तो पीते नहीं, कॉफी से काम चलाना पड़ता है अपने बाप। ये देखो हलवा रेडी होने लग रहा है, हलवा रेडी हो गया। लेकिन देखे लास्ट में कौन लगा इसमें मम्मी की हेल्प करने के लिए। ये बोल रहा था कि मम्मी जी आप कुछ और काम कर लो, ये मैं कर रहा हूँ। हम बनाएंगे, मम्मी की हेल्प हम कराएंगे। आलू टमाटर मटर पूरी। हलवे में मजा आ गया, सच्ची में मस्त बनाए। इतना चलाओगे इतना अच्छा बनेगा, इतने कढ़ाई सा लग रही इसमें ना। ये देखो कैसे देख रही है मम्मी। ऐसी मैं देख रही हूँ, तो बहू भी पड़ी है, बहू पे भी नहीं आऊंगा फिर तो सिखाऊंगी बनाना फिर। नहीं सही है, मैंने भी सीख लिया, मुझसे भी नहीं आता था बनाना। हलवा रेडी हो चुका है फिर भी इसमें लगा पड़ा है ये। बस भाई माता रानी खुश हो जाएगी आज तो। पता ये हलवा रीता आगे ना, फिर जो इसका पानी होता है ना, थोड़े से उसमें पानी डालेंगे, उसके बाद इसका जो पानी होता है वो माता रानी के चढ़ता है। तो देखिए कढ़ाई से बिल्कुल अलग हो रहा है, कढ़ाई पर नहीं लग रहा है और हलवा जो है बन चुका है। अब इसको रिताएंगे हम। ये देखो मम्मी रिताने लग रही है हलवा। हमारे माता रानी जो है वो पर्सन होती है हलवा पूरी से। और एक चीज और है वो अभी दिखाएंगे आपको, मम्मी करने लग रही है। जैसे मम्मी ने कढ़ाई रिता दी ना, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेगी मम्मी कढ़ाई में, वो पानी है वो माता रानी को चढ़ाएंगे, उससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, खुश हो जाती है। जो पानी है जो माता रानी के चरणों में चढ़ता है, अगर आपको हमको हमारी माता रानी देखने, तो आप पिछले जो वो लोग हमारे भी देख सकते हैं दीपावली के पास के, तो हम माता रानी पर गए थे, तो आपको वहाँ पर जाकर सारे वो लोग देखने को मिल जाएंगे। जो हमारी माता रानी है वो वहीं पर जमीन से, जो वहाँ की जमीन है वहाँ से ही निकली हुई है, और वहाँ हमने मंदिर बनवा दिया था। तो आप जाइए देखिए, जो पहले वाले वो लोग हैं हमारे। वो मम्मी ने रिता दिया है, माता रानी के पास रखेगी, जब पूजा होगी उस टाइम पे वे चरणों में चढ़ाएंगे उनके। चलो देखिए मम्मी सब सामान लेके आ गई यहाँ पे, पूजा की तैयारी कर ली है, बस अब बैठ के सब पूजा करेंगे। जो माता रानी का दिया है वो घी से लगता है, प्योर घी से, तो मम्मी घर पर ही जो घी बनाती है उससे दिया लगाती है माता रानी का। ये देखिए भैया अभी आके बैठ गए हैं, तैयारी हो चुकी है, लेकिन पापा जी का इंतजार हो रहा है। पापा जी नखरे दिखा रहे आने में। देखो पापा जी को, तैयारी चल रही है बिल्कुल पूजा करने की। सच्चे मन से बुलाओ तो जरूर आएगी माता रानी।
भैया ने सच्चे दिल से पूजा करी है, देखो माता रानी भी आ गई है। अगर सच्चे दिल से माता रानी को बुलाए तो माता रानी जरूर आती है। ओके तो दोस्तों पूजा हो चुकी है कंप्लीट, हमने कर ली है पूजा कंप्लीट। तो अब जो है खाना भी खाना है, टाइम हो गया है डिनर का। तो मैंने हलवा बनाया, मम्मी का हाथ बटाया हलवे में, तो आप बताइए कैसा लगा। तो चलिए खा लेते हैं खाना, अभी भूख लगी है, अभी आया हूँ जॉब से, तो मिलते हैं अभी। ओके तो दोस्तों मैं हो चुका हूँ रेडी, चौपर जाने के लिए तैयार। और जो है आज फिर से यार वही मौसम चेंज हो गया, धुंध पड़ रही है आज भी बहुत ज़्यादा, ऊपर आप देख सकते हैं धुंध ज़्यादा पड़ रही है। और जाना है बाइक से, चेकिंग रेडी जैकेट पहन लेता हूँ। और जो है आज मम्मी ने बनाए हैं छोले चावल, लंच में भी यही मिल रही है मुझको, टिफिन भी रेडी हो चुका है। और ये देखिए कुछ तो चेंज होना चाहिए, आज मैंने छोले चावल बना दिए, रोज आलू गोभी गाजर यही देना पड़ रहा था बस। कल बैंगन ले गया, बैंगन खाए नहीं, जरा से भी नहीं खाए मैंने। और पापा जी भी उठ गए, पापा जी उठ गए जल्दी, और उसको देखे महारानी को, वो तो हाथ ही दिखाती है डेली, आप डेली देखते हो गए। तो चलिए चलता हूँ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में बेल आइकन का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें तीन ऑप्शन खुलेंगे, ऑल पर जो है आपको क्लिक करना है, क्योंकि मेरे आने वाले व्लॉग है जो उसका नोटिफिकेशन आपको एकदम से मिल जाएगा। और जाकर आप मेरा व्लॉग देखना, फर्स्ट व्यूअर हो फर्स्ट कमेंट कीजिए, चाहिए तो कमेंट कीजिए मैं रिप्लाई करूँगा। तो और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन करिए नीचे तो ब्लू पट्टी में आपको जो है इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर खुलेगा आपका पेज, और वहाँ जाकर मुझको फॉलो कर लीजिए मेरे पेज पर जाकर। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपनी अपनी फैमिली ख्याल रखिए, राम राम जी, जय बजरंग बली, बाय बाय।